Hello, welcome to AgriTime, learn agriculture with me. Friends, today's topic, introduction of agriculture, कृषि का परिचय. Friends, इसमें हम कृषि का परिचय, अर्थ, परिभाषा, कृषि के प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे. तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि एग्रीकल्चर की आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. चलिए शुरू करते हैं परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन. तो देखिए, जनरली जो एग्रीकल्चर है या बोले तो कृषि, तो ये कौन से शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द एगर और कल्चरा से लिया गया है. एगर का अर्थ होता है भूमि या खेत, ठीक है, और कल्चरा का अर्थ होता है खेती यानी कि कल्टीवेशन. इसलिए कृषि शब्द का अर्थ भूमि की खेती यानी आर्थिक उद्देश्यों के लिए फसलों और पशुओं के उत्पादन का विज्ञान और कला कहा गया है. यह हो गया परिचय, इंट्रोडक्शन. बात करते हैं इसके डेफिनेशन की यानी कि परिभाषा की. वैज्ञानिक ढंग से अगर इसका परिभाषा बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कृषि पौधों और अन्य फसलों को उगाने और भोजन, अन्य मानवीय जरूरतों या आर्थिक लाभ के लिए जानवरों से लाभ को बढ़ाने की कला और विज्ञान है. ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया और आपका इंट्रोडक्शन हो गया. बात करते हैं ब्रांचेस की, कृषि की शाखाएं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, कृषि विज्ञान की वह शाखा है, एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें बुनियादी विज्ञान के लागू पहलुओं को शामिल किया गया है. कृषि विज्ञान के लागू पहलुओं में मृदा प्रबंधन सहित क्षेत्र की फसल और उनके प्रबंधन एग्रीकल्चर का अध्ययन शामिल होता है. कृषि के अंतर्गत बड़ी संख्या में क्या है, तो खेत है, फील्ड है. ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर ब्रांच के बारे में. तो इसमें है पादप प्रजनन या फिर कहें तो अनुवांशिक, प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स. तो पादप प्रजनन वांछित विशेषताओं का उत्पादन करने के लिए पौधों के लक्षणों को बदलने की कला और विज्ञान है. क्या है, पौधों के लक्षणों को बदलने की कला और विज्ञान है, आर्ट एंड साइंस है. प्लांट ब्रीडिंग को कई अलग अलग तकनीकों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है. केवल प्रसार के लिए वांछनीय विशेषताओं वाले पौधों को चुनने से लेकर और अधिक जटिल आणविक तकनीकों तक मानव सभ्यता की शुरुआत के करीब से हजारों वर्षों से पौधों के प्रजनन का अभ्यास किया जा रहा है और अभी भी हो रहा है. यह दुनिया भर में व्यक्तियों जैसे कि माली हो गया, किसान हो गया या फिर सहकारी संस्था हो गया, विश्वविद्यालय हो गए, फसल विशिष्ट उद्योग संघ हो गए या फिर कहें अनुसंधान केंद्र, संगठन आदि द्वारा खोज किया जा रहा है यानी कि पादप प्रजनन पर कार्य किए जा रहे हैं. ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट प्लांट ब्रीडिंग जो कि एग्रीकल्चर का प्रमुख मेजर ब्रांच है. बात करते हैं अगले ब्रांच की. तो अगला ब्रांच है एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान. तो दोस्तों, एग्रोनॉमी यानी कि विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है, जिसमें खाद्य फसलें, चारा फसलें, रेशेदार फसलें, चीनी, तिलहन इत्यादि शामिल है. इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बेहतर खाद्य उत्पादन और बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, ये एग्रोनॉमी में होता है. ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले ब्रांच की. तो अगला ब्रांच है आपका हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान शास्त्र, जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधों, मसालों और पेय पदार्थों के उत्पादन से संबंध रखता है. कौन, हॉर्टिकल्चर. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ब्रांच की ओर. और अगला जो प्रमुख ब्रांच है वो है आपका फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी. सो इसमें यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सॉरी, फॉरेस्ट्री यानी कि डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ पेरिनियल ट्रीज यानी कि बड़े पैमाने पर जो वनीय वृक्ष हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करना. ठीक है, उनको कैसे, उनके जरिए हम लाभ प्राप्त कर सके, और सप्लाइंग वुड यानी कि लकड़ी का इधर से
यहाँ से हमारे देश से दूसरे देश में सप्लाई करना, टिम्बर, रबर, इन सभी का उत्पादन करना, ये सभी फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ब्रांच की ओर। अगला ब्रांच आपका एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि पशुपालन है। इसमें मनुष्यों के लिए भोजन प्रदान करने और फसलों के लिए शक्ति यानी कि ड्राफ्ट और खाद प्रदान करने के लिए प्रजनन और कृषि को बढ़ाने के लिए कृषि अभ्यास से संबंधित है। कौन सा जी? एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु पालन। बढ़ते हैं अगले ब्रांच की ओर। अगला ब्रांच है आपका फिशरी साइंस, मछली पालन या फिर बोले तो मत्स्य विज्ञान। तो इसमें भोजन फर्स्ट तो आता है, भोजन, उसके बाद आता है चारा और खाद उपलब्ध कराने के लिए समुद्री और अंतर्देशीय मछलियों, झींगों सहित मछलियों के प्रजनन और पालन की प्रथा से संबंध रखती है। कौन? फिशरी साइंस। बढ़ते हैं अगले शाखा की ओर। अगला शाखा है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, यानी कि कृषि अभियांत्रिकी का। तो इसमें मृदा और जल संरक्षण, इंजीनियरिंग और जैव ऊर्जा सहित दायर तैयारी, अंतर खेती, कटाई और कटाई के बाद के प्रसंस्करण के लिए कृषि मशीनरी के साथ सौदा करना है, यानी कि कृषि के उत्पादन को कम समय में अधिक करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ब्रांच की ओर। और जो अगला ब्रांच है वो है होम साइंस का। होम साइंस भी एग्रीकल्चर का एक ब्रांच ही है। इसके अंतर्गत कृषि के अनुप्रयोग और उपयोग के साथ सौदा, पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर तरीके से उत्पादन करना है, जिसमें मूल्यवर्धन और भोजन तैयार करना शामिल होता है। एकीकरण पर सभी 7 शाखाओं, पहले 3 को फसल उत्पादन समूह और अगले 2 पशु प्रबंधन और अंतिम 2 संबंध कृषि शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? होम साइंस में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रमुख शाखाएं एग्रीकल्चर के, परिचय, डेफिनेशन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।